Hello dear friends, I welcome you all in Neera English Spoken Classes. I hope that wherever you are happy, healthy and fine. Today I have brought one new video for you. And the topic of this new video is words used on dining table. So let's see what are these words. Oh, so nice smell. आप ये कह सकते हैं हाँ कितनी सुंदर कितनी अच्छी बढ़िया स्मेल आ रही है. माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुँह में पानी आ गया, पानी आ रहा है. इट सीम्स द फूड इज़ प्रिपेयर्ड विद लॉट्स ऑफ लव, ऐसा लगता है कि खाने को बहुत ही प्रेम से बनाया गया है, प्रेम से पकाया गया है. इट सीम्स द फूड इज़ प्रिपेयर्ड विद लॉट्स ऑफ लव. देन यू कैन से द प्रेजेंटेशन इज़ आल्सो सो गुड, प्रेजेंटेशन भी कितनी अच्छी है. आई कांट वेट एनी मोर, मेरे से अब ज़्यादा वेट नहीं होता, ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, चलो अब खाना खा ही लेते हैं. अब इमेजिन करिए कि आप खाने के टेबल पर बैठे हैं और जो परोसने वाला है, खाना खिलाने वाला, वो यूं कह सकता है वी हैव एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्विसिन. क्विसिन मीन्स भोजन, हमने केवल इंडियन खाना ही बनाया है आप सबके लिए. हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड, ये बोला जा सकता है कि जब आप किसी को बुलाना चाहते हैं और कहते हैं कि चलिए जल्दी से खाना लगा लीजिए, खाना परोस दिया गया है. फिर होता क्या है कि बहुत सारा खाना जब टेबल पे लगा हुआ है तो बजाय आप देने के, अगर सब अपने हिसाब से अपना खाना परोसें और खाएं तो कितना अच्छा लगेगा. तो आप तब कह सकते हैं हेल्प योरसेल्फ, प्लीज़ खुद से अपना खाना परोसें. फिर आप उनको और भी ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए कह सकते हैं बी, प्लीज़ बी कंफर्टेबल, प्लीज़ बी होमली. आप जब उनको कंफर्टेबल कहते हैं, रिलैक्स करते हैं और ये कहते हैं कि शांतचित होकर अब आप खाना खाइए, तो सबको और भी अच्छा लगता है. फिर प्लीज़ पास इट ऑन, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपके सामने कोई दूर बैठा है जिसको आप देना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ पास इट ऑन. कोई भी चीज़ हाथ में आपके है, आप उसको कह सकते हैं प्लीज़ पास इट ऑन, आगे इसको पास कर दीजिए, उस तक, उस आदमी तक पहुंचा दीजिए. पास ऑन द सॉल्ट प्लीज़, इस सॉल्ट को, इस नमक को भी पास कर दीजिए. पास ऑन द सॉल्ट प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ सॉल्ट चाहिए तो आप कह सकते हैं पास ऑन द सॉल्ट प्लीज़. इस तरह आप कुछ भी मांग सकते हैं, पास ऑन द चटनी प्लीज़, पास ऑन द पेपर प्लीज़, पेपर मीन्स काली मिर्च, कुछ भी चीज़ पास ऑन करके आप ले सकते हैं. प्लीज़ गिव सम मोर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए. मोर राइस प्लीज़, मुझे थोड़ा और चावल चाहिए. आई वॉन्ट अ स्पून, मुझे एक चम्मच चाहिए. आई वॉन्ट वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियाँ चाहिए. आई वॉन्ट राइस, मुझे चावल चाहिए. आई वॉन्ट पिकल, मुझे अचार चाहिए. ऐसे करके आई वॉन्ट करके आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं. हैव अ लिटिल मोर, जो आपको खाना खिला रहा है वो प्रेम वश आपको अगर कुछ थोड़ा और देना चाहता है तो वो बोल सकता है हैव अ लिटिल मोर, आप थोड़ा और लें. प्लीज़ हैव सम मोर, थोड़ा और लें. इसके आगे आप वो कुछ आपको जो भी देना चाह रहा है वो कह सकता है प्लीज़ हैव सम मोर राइस, मोर चपातीस, और प्लीज़ हैव सम मोर के साथ कुछ भी ऐड कर सकता है. फिर मे आई हैव सम मोर ग्रेवी, अगर आपको ग्रेवी चाहिए, आपको तरी चाहिए थोड़ी ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं मे आई हैव सम मोर ग्रेवी. अब देखिए खाना जब आप खा चुके हैं तो जो आपको खाना खिलाने वाला है वो आपको अगर थोड़ा और दे रहा है और आपका तो पेट भर चुका है, तो आप बोल सकते हैं माई बैली इज़ फुल. बैली मीन्स पेट, स्टमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आप बोल सकते हैं माई स्टमक इज़ फुल. फिर बोल सकते हैं आई कैन नॉट ईट मोर, मैं और ज़्यादा नहीं खा सकता, या आई कैन नॉट ईट एनी मोर, मैं इससे और ज़्यादा नहीं खा सकता. फिर जो आपको खिलाने वाला है
वो कह सकता है यू एट वेरी लिटिल, आपने तो बहुत ही कम खाया है। यू हार्डली एट एनीथिंग, आपने बिल्कुल ना के बराबर ही खाया है। फिर आप क्या कह सकते हैं, द फूड वॉज़ वेरी टेस्टी, द फूड वॉज़ वेरी डिलीशियस, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने तो भर पेट खाया है। आई ईटन फुली, माई स्टमक इज फुल। अब जब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि डेजर्ट भी सर्व किया जाता है, स्वीट डिश, डेजर्ट में स्वीट डिश। तो आपसे पूछा जा सकता है वट वुड यू लाइक टू हैव इन डेजर्ट, आप डेजर्ट में स्वीट डिश में क्या खाना पसंद करोगे, आइसक्रीम और समथिंग एल्स। तो आपको जो भी खाना है आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम, और आई वुड लाइक टू हैव गुलाब जामुन, और वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से एंड डिमांड फॉर दैट। बट इफ यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग देन यू कैन से आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग नाउ, आई नीड नथिंग। और कभी क्या होता है कि बहुत से लोग अपने अपनी पसंद का चीज़ें मंगाते हैं और आपस में शेयर करना चाहते हैं, तो वो जब शेयर करते हैं तो बोल सकते हैं जस्ट टेस्ट इट, ये भी टेस्ट करके देखो, जस्ट टेस्ट इट, इसको भी टेस्ट करिए। और जब आप उसको टेस्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप उसको हाँ कह सकते हैं येस दिस इज़ वेरी टेस्टी। अंत में आप जिसने आपको खाना खिलाया है, जिसने आपको पार्टी दी है, उसको आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर द वंडरफुल पार्टी। तो इस तरह से जिस तरह से भी ये वर्ड्स हैं आप बोल सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठते हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू, एंड यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड्स वेन एवर यू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट मी अबाउट दिस वीडियो, अबाउट योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, एंड देन सब्सक्राइब इट आल्सो and comment me also, because if you share this knowledge then the knowledge is spread। आप मेरा माध्यम बने इस ज्ञान को आगे तक पहुँचाने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। so please subscribe it, comment me and share it। thank you for watching, thank you everyone।